यहाँ पे हीटर नहीं है और हीटर लेकर आता हूँ। देखो ये देखो ऐसे मुझे बहुत तंग कर रही है, पढ़ाई करने नहीं दे रही है मम्मी। ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तो है व्हाट इज दिस एटीट्यूड जो होता है ना लड़कों का कहना तेरे को नहीं पता। उजा ये तो ऑन है। ओ बेटे तो कैमरा ऑन है। ओ हो क्या देख रही हूँ मैं आज। भाई लोगों चलो चलो चलो। अरे बिल्कुल यार तुमसे भी बाय बाय। मेरा बहुत बड़ा दुख है और ये देखो आ जाओ। एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस आज ना आने को तो अभी मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर। कॉलेज से तो आ गया था मैं और अभी जा रहे हैं हम कंप्यूटर क्योंकि आज बिंदु से बातें करेंगे मस्त। सो आज बिंदु के साथ ही रहेगा ब्लॉग। तो अभी तो मैं मार्केट में हूँ और चल ही रहे हैं। बाकी एक फैन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। हेलो हेलो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना मस्त लगता है अच्छा लगता है। कहाँ से आ रहा है? स्कूल से। स्कूल से। तो ये मेरा बहुत बड़ा बिग फैन है ना। बिग फैन क्या देखो बिग फैन। ऑलराइट गाइस भाई लोग बहुत बहुत चलो चलो चलो। अरे बिल्कुल यार तुमसे भी बाय बाय। ऐसे हो रहे यस। अरे हेलो आप भी देखते हो व्लॉग? चलो ठीक है हाँ बाय हाँ। तो अभी इतना गंदा पोपट हुआ है मेरे साथ। एक भाई मिला वेगनन का तो उसको मुझसे बात करी। हाँ उसने कह रहा था मैं ब्लॉग देखता हूँ आप। बट उस टाइम मैंने वीडियो भी बनाई उसकी। बट सही बात बताऊँ जो वीडियो मैं उसके साथ बना रहा था ये वीडियो ही ऑफ थी पता है। तो इतना गंदा सीन हो गया भाई यार सॉरी। अब भाई मैं वीडियो बना रहा था और वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो भाई सॉरी नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो पक्का लेके आऊँगा। तो एक भाई था ना यार सॉरी यार ब्रो नाम ही नहीं पूछ पाया। तो चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मिलते रहोगे। कौन सा इतने बड़े ब्लॉगर है क्या हमारा टाइम ही नहीं है पहले पड़े बिल्कुल जहाँ दिखे वहाँ मिल जाना। हाई फाई हो जाएगा तुमसे। अभी मैं चलता हूँ कंप्यूटर और मिलो थोड़ी देर पे। तब तक के लिए बाय बाय। उनको भी बता देता हूँ यहाँ जाता हूँ मैं कंप्यूटर करने और इंग्लिश कोर्स भी यहीं होता है द विजडम वर्कशॉप। तो चलते हैं। ये कहीं भी जाती है और शुरू हो जाती है यार गाइस यही बात। अब तो मैं लेके आऊँगा गाइज। ये दोनों दोस्त हैं सहेली आपस की। एक बार हाथ डाल के डालते हो इस बार आर पार कर दो। ऐसे उल्टे काम नहीं करो। हाँ वर्मा मोहल्ला है नाम पागल। हाँ यहाँ कुम्भकरण बनता है तुझे पता है। चल फिर बिंदु ऊपर को या नीचे को। गाइज तो मैं घर आ गया हूँ। बाकी आज बिंदु से इतनी बात नहीं हो क्योंकि बिंदु बोल रही थी कभी एक अच्छे से ब्लॉग बनाई तो इसने नहीं बनाई। थोड़ी सी आग सेक रही थी तब मैंने बना दी ऐसी कैमरा खोल के। तो बिंदु आजकल थोड़ी बिजी चल रही है गाइस पता नहीं क्या। तो बनाएंगे अभी कल परसों कभी टाइम मिला तो मस्त। और अभी पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आधी रात पूरा दिन तो चले गया है अभी रात ही रात में पता नहीं क्या ब्लॉग बनाऊंगा। और सब्सक्राइबर तो इतने ज्यादा है बट जो व्यूज है वो खत्म हो गए तुम्हारे भाई। पता नहीं यार क्या हो रहा है। मतलब आज वाली जो वीडियो थी ना यार बहुत खत्म वीडियो गई है। मतलब 100 भी नहीं हो रखे अच्छे से और 6-7 घंटे हो गए। तो यार सोच सकते हो कितना गंदा चल रहा है सीन। और मुझे नहीं पता कि ये क्यों चल रहा है ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों मेरी वीडियोस फ्रीज हो गई है जबकि मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ यार रोज अपनी तरफ से मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ। बट वीडियो जो है मेरी फ्रीज हो चुकी है पता नहीं क्या है। 500 से बढ़ी नहीं रही आगे बिल्कुल भी नहीं ना जा रही। अब भाई मैं कितने टैग लगा के थक गया हूँ और क्या करूँ मतलब मैं समझ नहीं आ रहा हूँ यार। बताओ हमें वीडियो कैसी वायरल होती है यार जरा सा। भाई साहब मैंने इतनी वीडियो डाल दी ना 5-6 महीने हो गए मुझे यूट्यूब में और अभी तक एक वीडियो मतलब ये है कि कोई गई नहीं है वीडियो से बताऊं 1000 तक बस 2-3 वीडियो गई है और खत्म हो रहा था। अब मुझे रिमोट खो गया है अब मम्मी जुगाड़ पता नहीं क्या करती है। वो टीवी का रिमोट आवाज तेज होगी ना इससे इसकी ज्यादा। तो रिमोट तो खो गया टीवी का। अब पता नहीं मम्मी क्या कर रही है ऐसा। मम्मी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इससे कहाँ चले गए यार वैसे इससे मतलब ही नहीं होता। वो टीवी अलग है रिमोट उसका अलग है। मैं हुड और जीन्स वगैरह उतार लेता हूँ, थोड़ा फ्री हो जाएगा। जीन्स तो मतलब ऐसे हो जाते हैं ना, लोअर पहनने सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। थक गया हम बोल के, पता नहीं यार कैसे जाते हैं उससे ही बताऊँ। किस्मत पता नहीं, किस्मत यार भाई क्या किस्मत यार। मैं तो 6 महीने से थक गया, मैं 6 महीने से हो। सो चलो मिलो थोड़ी देर पे। मम्मी बना रही है चाय मस्त सी। गाइस आज कुछ नहीं है। अरे क्या वो ठंडा लग रहा है क्या? और उसमें मफलर ही तो पहन रखा है। मम्मी भी आ रहे तो। कुछ नहीं होता, मफलर सबको ठंडा लग रहा है। चाय बना रही थी, साथ में पकौड़ी। गाइस झोली में दाल नहीं रखी थी मम्मी, इसमें झोली में डालती नहीं है, अलग से डालती है। मतलब ऐसी खाते हैं उसको। ऐसा क्यों मम्मी? तुम अलग क्यों करते हो? पूरी दुनिया के सबसे अलग काम, ऐसा क्यों मम्मी? ये आलू की पकौड़ी थी ना, बेकार हो जाती है। अच्छा, अलग से बनाती हूं तब डालती हूं। अच्छा ओके। सो गाइस आज कुछ नहीं है, घर का ब्लॉग रहेगा रात भर। जब तक खाना नहीं खाते तब तक सोते नहीं है, तब तक ऐसे ही देखो आप, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है ना इसलिए। और कल कॉलेज है, मैं फ्रीज हो गया ना, मुझे लग रही किस टाइप की किस्मत। इंसान का लक होना मुझे भी नहीं पता। तो लास्ट में कुछ होता नहीं है तो नसीब को दोष दिया जाता है कि नसीब ऐसी नहीं। मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइस देखते हैं क्या रहता है। मैं सोच रहा हूँ ना अपने ही एक, मतलब यार कब से सोच रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें ना कैमरा पकड़ना वाला चाहिए और यार चीजें चाहिए होती, तुम समझ सकते हो यार। एक चीज मतलब एक कहानी को शूट करने के लिए तो यार चाहिए होता है। बाकी मैंने कहानी भी बनाई थी, बड़ी मस्त कॉमेडी सी थी, बट वो हो नहीं पा रही। मैंने ट्राई भी करा, मतलब उसमें यार 2-3 जने भी चाहिए और सभी चीज चाहिए। तो चाहिए हाँ, मम्मी बना रही है चाउन मम्मी। तो गाइस वो चीजें बता रहा था मैं। बाकी देखते हैं यार क्या रहता है। और ऐसे सपोर्ट करो आप, क्योंकि फरवरी में शादी है। अभी तो इतनी जल्दी बता रहा हूँ मैं लोगों को, पर गांव में जाएंगे तो 3-4 दिन तो वहाँ रहना ही है। और सही वीडियो बनाएगी, अगर मेरा मन कर रहे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ हाल ही पे, कभी एक राउंड होके आएंगे और गाँव में आपको चीजें दिखाएंगे। तो देखते क्या रहता है। 25 तारीख को विजडम की तरफ से हम कहीं जा भी सकते, आई थिंक प्लान बन रहा है नैनीताल का। तो देखते हैं गाइस कि हम नैनीताल जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना। तो उसमें काम ही बोलने का है। तो गाइस हमारे साथ लोग कहते हैं कि हम नैनीताल जाएंगे। चलो हम इसको भी खाते हैं। हम यहाँ हीटर का है, हमारा हीटर आज ज्यादा ठंडा हो रहा है, तब हीटर नहीं लेके आए तुम। वाओ लेके आ जाते नहीं यार, मैं नहीं जा रहा। सो गाइस यहाँ पे हीटर नहीं है और हीटर लेके आता हूँ। देखो ये देखो गाइस लेके आ गया। मम्मी देखो क्या लेके आया, कितनी जल्दी लेके आया ना, मस्त करके आ गया हीटर। अब सेकते हैं इसको, हाथ पाँव गर्म करते हैं गाइस जरा सा। काफी दिनों से अपने स्टाइल में कपड़े नहीं उतारे थे, तो चलो आज फिर से ट्राई करते न्यू स्टाइल से। बाकी ये करा, ये निकाला, अरे नहीं निकल, अभी निकल जाएगा देखो। अरे निकाल, कैसे निकलेगा? सो ये देखो और ये देखो, अरे मैं तो झटके से निकाल देता हूँ। अब इसके अंदर से ग्रीन कलर की डाल देंगे, वो उसको गायब करते हैं। अभी देखो गायब हो जा। ये अरे यार मैजिशियन है हम। अब मैं अपनी ग्रीन वाली मंगाता हूँ फटाफट से। आ जा, आ गई। उसको उतारेंगे ठीक है। ये ओ डाल दी। अरे गाइस ये देखो मस्त करके पहन लिया, बट ये बहुत गर्म है यार, इसलिए मैं ये पहनता हूँ ग्रीन वाली। ऑलराइट अब देखते हैं क्या करेंगे। ओ हो क्या देख रही हूँ मैं आज। हे भगवान कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊं? गाइस बहुत मुश्किल से बैठा था मैं यहाँ, फिर इन्होंने कहाँ जाऊं मैं? ये देखो इस बंदे को, गौर से देखो इसको, गौर से देखो इस बंदे को। रिपोर्टर जो बनी मम्मी। इस बंदे को देखो तुम। सन 2021 का जो दिसंबर है ना, मम्मी रिपोर्टर की तरह बोलो ना, सन 2021 का जो दिसंबर है, लाइक कमेंट शेयर, उसका आज ये पहला दिन है। 14 तारीख दिसंबर का, जो 14 तारीख, 1.5 साल के बाद इस बंदे ने जो बैठा हुआ देखो शख्स को गौर से देखो। 1 साल के पश्चात डेढ़ साल के बाद इसने किताब खोल रखी घर पे। आई एम मेकिंग सम नोट्स। गौरव आज तुझे मतलब क्या अंदर से ऐसा हुआ, अंदर से ऐसा क्या हुआ कि तुझे कि आज मैं घर पे किताब निकालूं, कुछ पढ़ लूं, कुछ मेरे बारे में सोचा या अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? अबे मम्मी यार अब नहीं बता, मुझे बता तो। तुम मजाक कर रहा है, तुम काम भी नहीं करने दे रहे, तुम कैमरा वैमरा खोल के बैठे। नहीं पता किस मुझे अजीब सा हो रहा अंदर से, ऐसा हो रहा ना मम्मी नोट्स पता नहीं क्या हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम्हें बताओ पहले मुझे, क्या आज से पहले तुमने मुझे देखा नहीं? देखा ना, देखा पहुंच गया कॉलेज। नहीं नहीं देखा मैंने तुझे 1 से लेके 12 तक तो देखा, उसके बाद मैंने शायद नहीं देखा। सुबह ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, फिर कॉलेज में पढ़ता हूँ। नहीं वो कॉलेज में वो मुझे नहीं पता होता है, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। जो भी एसएसजे वाले हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं गाइस, तुम्हें पता है धूप से गाई हो रही नहीं हो तो घर में पढ़ो ना। कितने दिनों कल के वीडियो में भी बोला था मैंने इसको कि इससे बोलो कि पढ़ने के लिए, और आज तो मैंने तुम्हें दिखा दिया इसको। बड़ा मजबूरी होगी थी क्योंकि मेरे पास इसको मजबूरी मत समझो ना, इसको भी नहीं था। ये लाइफ का सवाल है तुम्हारा, इसको मजबूरी नहीं समझो। ये लाइफ थोड़ा है, ये वो तो अलग तैयारी करनी पड़ती है मम्मी उसके लिए। हाँ तो फिर तैयारी कहाँ करते हैं, घर ही तो करोगे। यहाँ देखो एक तैयारी तो बिगड़, ये देखो ये महाराज तो पढ़ते तो है लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, इन्हीं के समझ में आता होगा जो आता। क्यों चेहरा ऐसा बना रहा है? यहाँ देख 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 जरा देख। मुझे आज वैसे चलो जो भी कर रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई मैं नहीं कुछ नहीं समझती हूँ। क्यों तुझे क्यों लग रहा दिल से बुरा? बुरा लगता है क्यों? पता नहीं है तुझे। एक बोलो 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 मेरे तो अनमोल रतन एक है राम और एक लखन। वाह 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 वाह, आज खुशी हो रही ना मुझे। मुझको राम और तुझको लखन बल बताओ। तो तू लखनी तो है। तो मुझको राम कहा तुमने? नहीं मैंने जो भी कहा लेकिन तू लखनी है ना। मुझे बहुत तंग कर रही है, पढ़ाई करने नहीं दे रही है मम्मी, ऐसा क्यों कर रही हो? आप बड़ी मुश्किल से तो मैंने सोचा नोट्स बना, वो भी है बोलने नहीं देता मुझे। मेरा मन जब बोलने को करता है नहीं बोलता है, नहीं मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे बोलने नहीं देता है। तुमको बोलने नहीं आता? वाह मम्मी वाह, पढ़ाई कर। गजब गजब बेइज्जती है। जैसे व्हाट इज दिस एटीट्यूड जो होता है ना वो लड़कियों का गहना होता है। पगलेट तेरे को नहीं पता उजा, ये तो ऑन है। ओ बेटे तो कैमरा ऑन है। ये देखो मम्मी ऐसा कह रही थी, लड़कियों को गहना होता है एटीट्यूड। वाह मम्मी वाह, दिल जीत दिया तुमने सारी लड़कियों का। बाय। इतनी पागलपंती करने के बाद हम खाना खा रहे हैं, और आज मम्मी ने जो पागलपंती करी है ना गाइस बता नहीं सकता मैं तुमको। तो अभी खाना बन गया है और बाकी मेरे नोट्स भी बन गए हैं। क्यों मम्मी आ कितने दिन बाद, कितने सालों बाद? 1.5 साल बाद। ही तो ज्यादा ही बोल दे रहे यार मम्मी। चुप रहा मम्मी, ऐसा नहीं है, हम बेइज्जती मत करो। हाँ मम्मी ने बनाई है आलू गोभी की सब्जी गाइस, अभी बना रही हूं। और दिन में 9:30 बजे हम खाना खाते हैं। आप भी खा लेना मस्त करके, ये तो ब्लॉग सुबह आएगा ना तो तब तक तो आप कहाँ होंगे, रात का तो खाएंगे ही। खा लेना वो, ये वीडियो मेरी आती है 11:30 बजे, तो ये देखने से पहले ही वो लोग खा लेते होंगे, ब्रेकफास्ट सुबह ही हो जाता होगा आप लोगों का। बाकी एंजॉय कैसी करते रहो। आज छोटी सी ब्लॉग थी, आज मतलब कुछ दिखाया नहीं मैंने ऐसा स्पेशल, सब घर ही घर का था। सही था बट छोटा सा ब्लॉग था, मस्त था। बाकी बताना आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर जो चैनल में न्यू है ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, एक ही काम ही तो होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो फटाफट फटाफट कर दो। लाइक एक रखते हैं 100, वाओ तो 100 लाइक कर देना फटाफट से। और कुछ नहीं चाहता आपसे, बस ऐसे ही प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बगल में रेड कलर का बटन होगा उसको दबा दो, ऑल में सेट कर दो, सही होगा। जो भी वीडियोस आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज 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 गाइस। ज्यादा कुछ नहीं बोल, ऑलराइट अभी चलते हैं और कल मिलेंगे फटाफट से नई वाली व्लॉग। कल जाएंगे कॉलेज, मतलब कहीं भी जाएंगे, सही जगह जाएंगे, और ऐसे एंजॉय करो आप वीडियो को। और मिलो कल, तब तक के लिए बाय।